मजीद एजुकेशनल एंड जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को टीम पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपसे जो न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जितनी भी डिवीज़न वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालका वाइज और टाउन वाइज पीएसटी की, जीएसटी की और सीट्स हैं वो तमाम अपलोड हो गई हैं। उसको आप, हमने जो लिंक दिया हुआ है अपने कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। और मैं आपको समझाना चाहूँगा अभी कि वो लिस्टिंग किस तरह से हैं। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स की वो अपलोड हो गई हैं, बाकी कुछ की जो रह गई हैं जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं हुई, तो उनको हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमें वो मिल जाती हैं यहाँ पर, हम इसी पेज पर उसको अपलोड करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई हुई है। तो उसमें दो कैटेगरीज हैं पीएसटी की। एक पीएसटी प्राइमरी है जो 1 to 5 क्लास तक होती है, और उसमें दूसरी है पीएसटी सेकेंडरी जो नेक्स्ट 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक होती है। तो ये बेसिकली होगी प्राइमरी, पीएसटी प्राइमरी की अलग से सीट्स अलोकेशन हुई हुई है और पीएसटी सेकेंडरी की अलग से सीट अलोकेशन हुई हुई है और जीएसटी की अलग से हुई हुई है। तो ये इस तरह से 3 फॉर्म्स आपको शो हो रहे होंगे। उसमें आप देखेंगे कि फिर उसमें फर्दर किस तरह से उसको कैटेगराइज़ किया गया है। उसमें फर्दर 3 कैटेगराइज़ की गई हैं। मेल्स की डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट अलग से वैकेंसीज़ हैं, फीमेल्स की वैकेंसीज़ अलग से हैं, और उसके अलावा एक मिक्स कैटेगरी है। मींस के कुछ ऐसे स्कूल जहां पे मेल और फीमेल दोनों वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, तो वहां के उनको मिक्स में रखा हुआ है। तो उन मिक्स में क्या है कि फिर कोई, जिस तरह आप लोगों को सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें मिल रही होंगी कि 50% सीट्स होंगी, 50 to 30% सीट्स होंगी, ये होगा वो होगा, तो उसमें ये होगा एज पर वैकेंसी जो मतलब जहाँ जहाँ से जितनी जितनी वैकेंसीज खाली हुई हुई हैं, मीन्स कि किसी स्कूल से अगर फीमेल की ही वैकेंसी खाली हुई है तो वहाँ पे फीमेल की ही एलोकेशन होगी, और जिस स्कूल से मेल की वैकेंसी पहले से खाली हुई हुई है तो वहाँ पर वही एलोकेशन होगी। सो इस तरह से किसी अफवाह पर आप ध्यान ना दें कि वो एलोकेशन 50-50 होगी या 70-30 होगी। ठीक है, तो जिस तरह से वैकेंसी अलॉटमेंट हुई हुई है, जो वैकेंसी खाली हुई हुई है उस हिसाब से ही उनके लोकेशंस होंगी। और दूसरा जो थर्ड लिस्ट है वो फीमेल्स की है, उनमें तो प्योरली फीमेल्स हैं और बाकी तकरीबन तमाम लिस्ट इस तरह है। इसमें अब ये होगा कि फर्दर नेक्स्ट सवाल आएगा कि नेक्स्ट और भी लिस्टें आएंगी और क्या होगा। तो मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि ये लिस्टें टाइम टू टाइम आती रहेंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है 50,000 के रिक्रूटमेंट का, और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो इस हवाले से और भी लिस्टें आएंगी। अभी इसमें यह होगा कि जीएसटी की काफ़ी ज़्यादा सीट्स रह गई हैं, क्योंकि उसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस हवाले से काफ़ी कैंडिडेट्स इस वक्त भी ऐसे हैं जिनकी एलोकेशन दोनों में हुई हुई है और उनको दोनों का सीट्स नहीं मिली हुई। तो जीएसटी की सीट्स के बाद काफ़ी कैंडिडेट्स पीएसटी की सीट्स को छोड़ के जीएसटी को अपनाएंगे, तो इस वजह से पीएसटी में मज़ीद सीट्स खाली होंगी। और फिर जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट वाली सीट्स इस वक्त इस वजह से उनकी लिस्टें नहीं आ रही कि उसमें फर्दर जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि जीएसटी के प्रोसेस के बाद फाइनली जो सीटें बच जाएंगी तो वो क्लियर हो जाएंगी। तब तक ये लिस्टें आती रहेंगी, तब तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि ये लिस्टें नामुकम्मल हैं और आगे इनकी अपग्रेडेशन होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो लिहाजा आपसे अपडेटेड रहें हमारे चैनल से, आपको हमारे ग्रुप्स में आपको हर इस तरह की अपडेट जैसे जैसे फीडबैक आती रहेगी ऑथेंटिकेटेड हम आपको शेयर करते जाएंगे। तो हमारे साथ अपडेटेड रहिए, और ये पूरा प्रोसेस काफ़ी अर्से बाद ख़त्म हो रहा है, और इसके मतलब अभी इंडक्शन प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है जिन टीचर्स ने ज्वाइनिंग कर ली है, और बाकी ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। और तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ये प्रोसेस जो है फुली ट्रांसपेरेंट चला रही है। कुछ उसमें इंस्टीट्यूशनल मिस्टेक्स हैं, कुछ इसमें DOs की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं और कुछ सुप्रिटेंडेंट्स की तरफ से इशूज़ आ रहे हैं, सीटें छुपाने वाला इशू आ रहा है, करप्शन वाले इशूज़ आ रहे हैं। और लेकिन यह कि ओवरऑल सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जा रहा है, जो माजी में होता रहा था उस सिस्टम को इन्होंने चेंज कर दिया है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, मेरिट हो रही है।
तो आप सबको इस चीज़ के लिए सेक्रेटरी को क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं अपने तौर पे वो, और इसको फेयर ट्रेड सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। फर्दर हमारे साथ अपडेटेड रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।